जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 मैथ हिंदी माध्यम प्रश्नावली 2.3 यानी बहुपद वाले चैप्टर की प्रश्नावली 2.3 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अध्ययन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चों तक मैथ पहुंच सके और बच्चे मैथ के अच्छे जानकार हो सकें, और प्रेस बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.3। बुक खोलिए और देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। विभाजन एल्गोरिथम, जैसे कि हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़े थे, बिल्कुल इसी तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी भाग देने की जो प्रक्रिया होती है जिसमें भागफल आता है, शेषफल आता है, भाजक होता है, भाज्य होता है, ये विभाजन एल्गोरिथम होता है। तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पीएक्स को जीएक्स से भाग दीजिए। पीएक्स को जीएक्स से विभाजित करना है और भाग देने पर भागफल तथा शेषफल हमें बताना है कि भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.3। अगर बेल आइकन को प्रेस न किए हो तो बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आते हैं प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है पीएक्स इज इक्वल टू, देखें पीएक्स की वैल्यू दी गई है और ये वैल्यू दी गई है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये पीएक्स की वैल्यू दी गई है। और जीएक्स की वैल्यू दी गई है जीएक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में आपसे कहा है कि पीएक्स को जीएक्स से विभाजित कीजिए और विभाजित करने के बाद भागफल भी बताइए और शेषफल भी बताइए। तो चलिए क्लास 6, 7, 8 में हम लोग जो डिवाइड करने का मेथड अप्लाई किए हैं वही मेथड अप्लाई किया करना है यहाँ पर। तो सामने देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा यहाँ पर x का जो मैक्सिमम पावर है 3 है और यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर 2 है। तो अगर x बार हम ले जाएं, अगर हम डिवीज़न x बार करें तो x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, और हमारा यही ध्यान होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म इसका कट जाए। तो चलिए अगर हम x बार ले जाते हैं तो x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स क्यूब हो जाएगा, और माइनस 2 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। लेकिन एक बात हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि क्यूब के नीचे क्यूब रहेगा, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर रहेगा और x के नीचे x रहेगा। अगर हम माइनस 2 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x आएगा, तो x के नीचे ही ये रहेगा, ये हो जाएगा माइनस 2x। अब जैसा कि आपको पता है कि डिवीजन में माइनस का प्रोसेस करते हैं, चलिए यहाँ माइनस कर देते हैं और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए क्या मिलता है, ये है माइनस 3x स्क्वायर और 5x प्लस 2x, ये हो जाएगा आपका 7x। फिर हम डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितनी बार डिवाइडेशन होता है। तो अगर हम ध्यान दीजिए, हम चाहते तो इस माइनस 3 को भी उतार सकते हैं नीचे, और फिर देखें यहाँ माइनस 3x स्क्वायर है, तो माइनस 3x स्क्वायर लाने के लिए
-3 बार हम डिवाइडेशन करेंगे, क्योंकि देखें जब हम -3 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिल जाएगा -3x2, और फिर -3 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा और ये हो गया 6। अब फिर यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, 3x2 से 3x2 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया आपका 7x और -3 और -6 माइनस हो जाएगा 9। अब इसके बाद ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो यहीं पर हम डिवाइड का प्रोसेस यानी भागफल की जो प्रक्रिया है, भागफल की प्रक्रिया को हम यहीं पर रोक देंगे। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा था कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, तो भागफल हम देखेंगे कि कितनी बार भाग गया है। तो भागफल आया है हम लोगों का x-3, और अगर शेषफल देखा जाए कि शेषफल कितना आ रहा है तो शेषफल है 7x-9। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर लास्ट में हम लिख देंगे आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। प्रश्नावली 2.3 के पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा यह क्वेश्चन। अगर आप सभी लोग अच्छी तरह से समझे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इसको शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अन्य अपने फ्रेंड से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। आप सेकेंड पार्ट हम देखते हैं कि सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है। देखिए सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है px = ex^4 - 3x² + 4x + 5। ये दिया हुआ है, px की वैल्यू दी गई है और gx की वैल्यू दी गई है। देखिए gx की वैल्यू आपको दी गई है x² + 1 - x, ये दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ भी px को gx से डिवाइड करना है। अच्छा अगर हम चाहें तो ये जो gx है इसको थोड़ा सा सही तरीके से हम लिख सकते हैं, x² को पहले लिख दें, इसके बाद x को लिख दें, फिर 1 को लिख दें। तो देखें इसको लिखा जा सकता है x² - x + 1। x² पहले -x को उसके बाद और 1 को उसके बाद कर देते हैं और फिर हम px को gx से डिवाइड करते हैं। देखिए px को gx से हम भाग देने जा रहे हैं, ये यहाँ हम लिखते हैं x⁴ - 3x² + 4x - 5, और इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं x² - x + 1 से। फिर चलिए देखते हैं, अब हमें ध्यान देना होगा कि कितनी बार ये डिवाइड होगा। देखें अगर यहाँ x⁴ है तो x⁴ यहाँ चाहिए, ध्यान दीजिए, अगर x⁴ है तो इसके नीचे x⁴ चाहिए, लेकिन x⁴ तब आएगा जब हम x बार भाग ले जाएंगे। और देखिए x² का अगर x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ हो जाएगा। और चले देखते हैं, तो x² का x² में मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया आपका x⁴, और इसके बाद x² का हम -x में, अच्छा एक काम करते हैं इसमें थोड़ा सा हम सुधार कर लेते हैं क्योंकि x³ वाला टर्म इसमें नहीं है, और x³ वाला टर्म हम अपने मन से इसमें लिख देते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी सुविधा होगी। यहाँ पर हम 0x³ लिख देते हैं, ये टर्म नहीं है इसलिए 0 लिख दे रहे हैं, और माइनस ये हो गया 3x² + 4x - 5। इससे फायदा ये होगा कि आपको डिवाइडेशन करने में बहुत सुविधा होगी। चलिए हम x² बार डिवीजन ले जाते हैं, तो x² का x² में मल्टीप्लाई किए तो x⁴ हो गया,
अब एक्स स्क्वायर का हम माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का वन में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस करने वाला प्रोसेस हम अपनाएंगे, और माइनस करने के लिए यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर एक्स टू दी पावर फोर से एक्स टू दी पावर फोर कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है एक्स क्यूब, और देखें ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स का स्क्वायर। और एक टर्म हम और उतार लेते हैं, ये 4x साथ में उतार लेते हैं। अब देखें यहाँ x क्यूब है, तो x क्यूब है तो हमको x क्यूब चाहिए, और x क्यूब ले जाने के लिए देखिए x स्क्वायर में अगर हम x बार डिवाइडेशन करें, x बार भाग करें, तो देखें x का x स्क्वायर में मल्टीप्लीकेशन होगा तो x क्यूब हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हम करेंगे माइनस एक्स में तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और वन में करेंगे तो एक्स हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ माइनस करते हैं ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, और ये देखें ये माइनस फोर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और ये देखिए फोर एक्स माइनस एक्स है तो फोर एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये थ्री एक्स हो जाएगा, और अभी माइनस फाइव बचा हुआ है तो माइनस फाइव हम उतार लेते हैं। और फिर देखें अब यहाँ माइनस थ्री एक्स स्क्वायर चाहिए, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर लाने के लिए माइनस थ्री से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी माइनस थ्री बार अगर हम ले जाएं तो देखिए माइनस थ्री का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा थ्री एक्स, और फिर यहाँ वन में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस थ्री। फिर यहाँ पर माइनस करने का प्रोसेस करेंगे, हम माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, और फिर देखें क्या मिलता है, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, माइनस फाइव प्लस थ्री यानी माइनस प्लस माइनस फाइव प्लस थ्री ये हो जाएगा आपका माइनस टू। तो आपसे पूछ रहा था कि भागफल कितना है, चलिए हम यहाँ नोट कर लेते हैं, इसका भागफल आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, ये भागफल आया है। और आपसे शेषफल पूछ रहा था, इसमें जो शेषफल मिला है वो माइनस टू। हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी करें। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये आंसर हो गया, आंसर आप लिख देंगे, आंसर में भागफल और शेषफल पूछ रहा था, भागफल आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री हो गया, और शेषफल माइनस टू हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड पार्ट, और क्वेश्चन नंबर वन का हम थर्ड पार्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है। देखें थर्ड पार्ट, पहले का थर्ड पार्ट, और पहले का थर्ड पार्ट हम देख रहे हैं क्या दिया हुआ है। पहले के थर्ड पार्ट में दिया हुआ है पीएक्स इजकल टू, देखें पीएक्स इजकल टू दिया हुआ है ये एक्स टू दी पावर फोर, एक्स टू दी पावर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो पहले तो एक काम कर लेते हैं, इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें एक्स टू दी पावर फोर वाला टर्म दिया हुआ है, और एक्स टू दी पावर फोर के बाद एक्स क्यूब का टर्म नहीं दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं दिया हुआ है, केवल एक्स का टर्म दिया हुआ है, इसके बाद सिक्स का टर्म दिया हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले सही तरीके से लिख लेते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर फोर प्लस लिख सकते हैं जीरो एक्स क्यूब प्लस लिख सकते हैं जीरो एक्स स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा फाइव एक्स प्लस सिक्स। इससे हम लोगों को भाग करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और ये तो पी एक्स की वैल्यू रही, और इसके बाद देखते हैं जी एक्स की वैल्यू क्या दी गई है। जी एक्स की वैल्यू आपको दी गई है
2 - x² तो जरा इसको भी सही तरीके से हम लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं -x² + 2। और चलिए px को gx से डिवाइड करना है और px को gx से भाग दे करके हमें बताना है कि भागफल कितना आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है। तो चलिए ये है x^4 + 0x³ + 0x²-5x + 6 और इसको हम डिवाइड करेंगे -x² + 2 से। चलिए देखते हैं कैसे डिवाइड किया जाए। तो हम लोग यहां x^4 है तो हम इतनी बार भाग ले जाए कि इसमें मल्टीप्लाई करें तो x^4 आ जाए। तो देखिए यहां -x² है तो अगर हम -x² बार हम मल्टीप्लीकेशन सॉरी डिवाइड करें, अगर हम -x² बार भाग ले जाएं तो फिर देखें -x² का -x² में अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x^4 और -x² का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² के नीचे ही x² के पद को लिखेंगे तो -x² में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x². और चले देखते हैं फिर हम डिवाइडेशन करेंगे और डिवाइडेशन में फिर देखें क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब हम चाहें तो 0x³ को भी लिख सकते हैं, आगे आवश्यकता पड़ सकती है हम लोगों को तो यहाँ लिख देते हैं 0x³ और नहीं आवश्यकता पड़ेगी फिर नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे इसको। और ये देखिए ये 0x² + 2x² ये हो जाएगा 2x² और फिर ये हो जाएगा -5x + 6। अब देखिए यहाँ -x² है और यहाँ 2x², यहाँ पर क्यूब वाले पद को हम रहने देते हैं, क्यूब वाले पद के रहने से कोई विशेष प्रकार का हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो अब देखिए यहाँ -x² है और देखा जाए कि कितनी बार हम मल्टीप्लीकेशन करें कि 2x² आ जाए। देखिए अगर हम यहाँ पर -2 बार ले जाएं तो -2 बार मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो देखिए -2 से इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा -x² में तो क्या मिलेगा आपको 2x² मिल जाएगा। और फिर यहाँ देखिए -2 में +2 का मल्टीप्लाई कर देंगे -4 हो जाएगा और फिर यहाँ पर माइनस करेंगे घटाएंगे तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, फिर 2x² से 2x² कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका -5x और फिर 6 + 4 ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पर चूंकि x^2 है और यहाँ x^1 है इसलिए अब यहाँ डिवाइडेशन नहीं होगा, अब भाग की प्रक्रिया यहाँ बंद हो जाएगी और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये भागफल हो जाएगा और ये शेषफल हो जाएगा। तो फिर यहाँ हम लास्ट में आंसर लिख देंगे, ये भागफल है और भागफल -x² - 2 है और फिर शेषफल यहाँ नोट कर लेंगे ये हो गया -5x + 10। ये आपका आंसर रहा और हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट थे और अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुपद वाला चैप्टर ही काफी महत्वपूर्ण है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखा जाए कि दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन तो हो गया, अब हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरा दिया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, ध्यान समझिए, कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो अगर प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में पूरा पूरा भाग चला जाएगा यानी शेषफल 0 आ जाएगा। अगर पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में पूरा पूरा भाग चला जाए यानी शेषफल 0 आ जाए तो आप कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो चलिए हम शुरू करते हैं
प्रश्नावली 2.3 का, प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन तीनों क्वेश्चन को हम लोगों को देखना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को भी लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है t²-3। जो पहला बहुपद है वो दिया हुआ है t²-3, और फिर इसके बाद दिया हुआ है 2t⁴, 2t⁴, और फिर ये दिया हुआ है +3t³, और -2t² -90 और फिर आपको दिया हुआ है -12। तो चले देखें, ये पहला बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है। प्रश्न में आपसे यही कह रहा था कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए और भाग देकर के बताइए कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो अगर पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी शेषफल 0 आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए हम भाग देने की प्रक्रिया अपनाते हैं। 2t⁴ +3t³ -2t² -90 -12, और इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं t²-3 से। देखते हैं ये है t⁴ और यहां है t², तो हम देखते हैं कि कितनी बार डिवाइडेशन करें। तो अगर हम t² बार ले जाएं तो t² में मल्टीप्लीकेशन होगा, t⁴ आ जाएगा, लेकिन 2 बाकी है, इसलिए हम यहां पर 2t² बार ले जाते हैं, और 2t² बार भाग ले जाते हैं तो 2t² से यहां गुणा होगा, और देखिए 2t² से गुणा होगा तो क्या मिलेगा फिर। देखिए ये हो जाएगा 2, और t² में मल्टीप्लाई करेंगे t⁴ हो जाएगा, और फिर -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा t². अब यहाँ पर घटाने की प्रक्रिया होगी, घटाने की प्रक्रिया में ये माइनस हो जाएगा और ये घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 3t³ उतरेगा, और देखिए ये +6t² है -2t², तो 6t² में से 2t² को हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4t², और फिर ये हो जाएगा आपका, चलिए अभी हम इतना ही, फिर आगे हम उतारेंगे। तो अब हमको यहाँ पर 3t³ चाहिए। चलिए हम जो है उतार लेते हैं इसको भी, -9t - 12 को भी उतार लेते हैं, जिसके नीचे जो टर्म आएगा उसको हम लोग नोट करेंगे। और चलिए यहाँ पर अगर हम 3t बार ले जाएं, डिवाइडेशन करें 3t बार, तो देखिए 3t का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3, और t का करेंगे तो t³ हो जाएगा, और फिर यहाँ हम इसमें करते हैं -3 में तो ये हो जाएगा -9, और ये हो गया t, और से सब उतर जाएगा। फिर यहाँ हम माइनस करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये मिलेगा आपका 4t² - 12। अब देखते हैं कितनी बार हम ले जाएं, तो 4 बार अगर भाग ले जाएं, 4 टाइम्स अगर हम डिवाइड करें तो देखें 4 बार अगर हम भाग ले जाएंगे तो फिर 4 का हम इसमें गुणा कर देंगे, 4 का t में गुणा कर, t² में गुणा कर देंगे तो 4t² हो जाएगा, और -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -12 हो जाएगा, और अगर माइनस किया जाए तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो शेषफल आप देख रहे हैं कि शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। यहाँ पर देखिए शेषफल को हम आर यक्ष से प्रदर्शित करते हैं, आर का मतलब रिमाइंडर होता है और यक्ष का मतलब यक्ष के रूप में, यक्ष नहीं टी था,
टी के रूप में आर टी, आर टी इक्वल टू जीरो कर देंगे, यानी टी के रूप में ये जो बहुपद दिया था उसका रिमाइंडर जो है जीरो है, और अगर रिमाइंडर जीरो है तो हम कह देंगे लास्ट में लिख देंगे कि अतः टी स्क्वायर माइनस थ्री टू टी का पावर फोर प्लस थ्री टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व का एक गुणनखंड है। हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस न किए हो तो बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं और अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट में देखें दिया हुआ है प्रश्नावली 2.2 के दूसरे क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, और फिर आगे दिया हुआ है 3x⁴, दूसरा जो बहुपद दिया हुआ है 3x⁴ प्लस 5x³ और फिर दिया हुआ है -7x² प्लस 2x + 2 प्लस 2x + 2। तो चले ध्यानपूर्वक देखें, पहला बहुपद ये दिया हुआ है, दूसरा बहुपद ये दिया हुआ है, पहले बहुपद से हमें दूसरे बहुपद को डिवाइड करना है और डिवाइड करके बताना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। चलिए देखते हैं, तो फिर हम यहाँ लिखते हैं 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x + 2। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x² प्लस 3x + 1 से। चलिए देखते हैं कितनी बार भाग जाएगा, आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ x का पावर 4 है, तो x² अगर x² पर हम ले जाते हैं तो x² का x² में मल्टीप्लाई करेंगे, x⁴ हो जाएगा, लेकिन 3 चाहिए तो अब हम यहाँ 3x² पर ले जाते हैं, और फिर देखें 3x² का हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² का x² में मल्टीप्लाई करेंगे, 3x⁴ हो जाएगा, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×3=9 हो जाएगा, और x×x² x³ हो जाएगा, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x². अब हम यहाँ से माइनस का प्रोसेस अपनाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दिए, 5x³ माइनस 9x³, तो 5 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4x³, और ये देखिए ये माइनस 7x², ये माइनस 3x², तो ये हो जाएगा माइनस 10x², और फिर हम इसको भी चाहें तो यहाँ पर उतार सकते हैं, ये है आपका 2x + 2। अब चलिए देखिए, देखते हैं कितनी बार अब हम ले जाएं, तो x² है और हमको -4x³ चाहिए, तो अगर हम यहाँ -4x बार ले जाते हैं भाग, तो देखें -4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा, और x का x² में करेंगे x³ हो जाएगा, फिर यहाँ पे आइए तो -4 का 3 में करेंगे -12 हो जाएगा, और x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x² हो जाएगा, और फिर 1 में हम करेंगे तो ये हो जाएगा -4x, और देखते हैं फिर क्या होता है, ये माइनस कर दिया जाए, घटा दिया जाए तो घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, 4x³ से 4x³ कैंसिल हो गया, ये हो गया प्लस 12x² माइनस 10x², 12x² में से 10x² माइनस कर दीजिए तो 2x² हो जाएगा, 4x प्लस 2x ये हो जाएगा आपका 6x + 2। अब देखिए, देखते हैं कितनी बार भाग जाता है, तो अगर हम यहाँ पर 2 बार भाग ले जाएं, तो देखिए 2 का x² में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 का x² में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2x² और प्लस हो जाएगा ये आपका 6x,
और प्लस हो जाएगा 2। अब यहाँ माइनस कर दीजिए, ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर एक्स यानी यक्ष के रूप में जो रिमाइंडर है सेसफल है, ये जीरो आ गया। तो जब सेसफल जीरो आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में पूरा पूरा भाग चला गया। जब पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में पूरा पूरा भाग चला जाता है, सेसफल जीरो आ जाता है, तो हम कहते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आप सभी लोगों को। बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट भी कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन, ये प्रश्नावली 2.2, 2.3 प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम देखते हैं। और ये थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, वो भी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। ये दिया हुआ है x, ये थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x माइनस 3x प्लस 1। ये पहला बहुपद दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और दूसरा बहुपद आपको दिया हुआ है x टू दी पावर 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब और प्लस x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और फिर ये दिया हुआ है 1। और चलिए डिवाइड करते हैं, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को हमें विभाजित करना है और विभाजित करके बताना है कि ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। चलिए देखते हैं, और अब हम डिवाइड करते हैं पहले से दूसरे को, यहाँ नोट करते हैं, ये है एक्स टू दी पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। चलिए ले जाते हैं, डिवाइड करते हैं हम, और देखिए यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स टू दी पावर 5 हमको लाना है, तो एक्स स्क्वायर बार अगर हम मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा और फिर एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 3 और एक्स स्क्वायर का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर चलिए माइनस करते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, 4 माइनस 4x क्यूब और प्लस 3x क्यूब माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब माइनस हो जाएगा x क्यूब और x स्क्वायर से x स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 1। और फिर देखते हैं यहाँ माइनस एक्स क्यूब लाना है तो माइनस एक्स क्यूब लाने के लिए माइनस 1 बार हम डिवाइड करेंगे और देखिए माइनस 1 का फिर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब और ये हो गया प्लस 3x और ये हो गया माइनस 1। और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर घटाने की प्रक्रिया, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, प्लस 1 और प्लस 2 0 सॉरी 2 यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है सेसफल है, सेसफल 2 आ गया, सेसफल 0 नहीं आ रहा है। अगर सेसफल 0 आता तो हम कहते कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, लेकिन रिमाइंडर आ जा रहा है यानी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब हमें उम्मीद है कि ये जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बाद ये प्रश्नावली के साथ साथ ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाएगा और फिर इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन 3, 4, 5 है इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज के वीडियो में इतना ही हम रहने देते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप महावना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जितने भी दोस्त हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, आवश्यकता समझ में आने पर आप कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक भी करें।
आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।